नमस्कार व्यूअर्स, वेलकम टू बॉब्स क्लाउड किचन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पालक पनीर, इनफैक्ट रेस्टोरेंट जैसा पालक पनीर। देखिए कितना मज़े का बना है, कितना स्वादिष्ट। आज हम आपको इसकी ही रेसिपी सिखाएंगे। सीखिए और बनाइए और मज़े से खाइए। पालक पनीर बनाने के लिए हमें ये सामान चाहिए। सबसे पहले तो पालक, ये आधा किलो पालक धोकर इसकी अच्छी तरह मिट्टी निकाल ली हुई है। ये रहे मसाले, वो रहा सूखा धनिया, कटा हुआ लहसुन, कटी हुई अदरक, थोड़ा सा रतनजोत, ये एक चम्मच हांगकर्ड, इसका पानी अच्छी तरह निकाला हुआ मैंने, दो कटे हुए टमाटर, ये बरिस्ता यानी कि तला हुआ प्याज, ये कच्चा प्याज कटा हुआ छोटे टुकड़ों में, दो तीन हरी मिर्चें, ये दो टमाटर अच्छी तरह बीट किए हुए, ये थोड़ा सा मक्खन और ऑफ कोर्स ये पनीर जो पालक में जाएगा। सबसे पहले हमने पानी को बॉईल कर लिया, पानी हमारा बॉईल हो रहा है, इसमें हम पालक डालेंगे। साथ ही हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, ये छोटा चम्मच आधा है, और थोड़ी सी चीनी, ये छोटा चम्मच एक चम्मच डाल रहे हैं। यह हमने इसलिए डाला है ताकि पालक का कलर बिल्कुल सही रहे। इसको हम बिना ढके उबालेंगे। जब तक हमारी पालक उबलती है तब तक हम अपना पनीर फ्राई कर लेंगे। अब हम अपना पनीर काटेंगे, ये थोड़ा सा टुकड़ा हम काट के अलग रख लेंगे। हमने अपने पनीर के क्यूब्स काट लिए हैं और ये स्लाइस हमने बाद के लिए रखा है, जो हम पनीर की ग्रेवी में डालेंगे और ऊपर से गार्निश करेंगे। हमारी पालक उबल चुकी है, इसको हमने गैस बंद करके ठंडा होने के लिए रख दिया। अब हम अपना पनीर फ्राई करेंगे। हम उबली पालक को छान लेंगे। हमने सारी पालक अपनी छान ली है। अब इसको हम ठंडे बर्फ वाले पानी में डालेंगे। हमने बर्फ वाले पानी में पालक डाल दी है ताकि इसके पकने का प्रोसेस रुक जाए। अब इसके बाद हम इसको बीट करेंगे। पनीर फ्राई करने के लिए हम 3-4 बड़े चम्मच तेल पैन में डाल रहे हैं। अब हम तेल चेक कर लेते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया, अब हम इसमें पनीर के क्यूब्स डालेंगे। पनीर को हम हल्का गोल्डन कलर होने तक फ्राई करेंगे, इसको ज़्यादा डार्क नहीं करना। इस पर हम 1/4 चम्मच हल्की सी देगी मिर्च डाल रहे हैं, हल्की सी कसूरी मेथी डाल रहे हैं ताकि पनीर में भी खुशबू आ जाए। अब हम इसको निकाल लेंगे। और इसी तेल में हम अपने मसाले फ्राई करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे ये रतनजोत, देखिए कैसा पन ऑयल में अपना कलर छोड़ रहा है। अब हम डालेंगे लहसुन कटा हुआ और डालेंगे हम कटा हुआ प्याज। इसमें हम डालेंगे एक छोटा चम्मच नमक। एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर। आधा चम्मच जीरा पाउडर। आधा चम्मच हल्दी। एक चम्मच डालेंगे हम
देगी मिर्च। अब हम इसमें डाल रहे हैं कटी हुई अदरक और ये साबुत हरी मिर्चें। अब हम डाल रहे हैं इसमें कटे हुए टमाटर। अब ये जैसे ही हरी मिर्चें हमारी थोड़ी सी पक गई हैं हम इन्हें निकाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ये हंग कर्ड। ये मैंने रात भर भिगोकर कपड़े में लगा कर फ्रिज में रखी थी। खट्टी दही बिल्कुल नहीं डालनी इसमें। अब इस स्टेज पर हम डालेंगे अपना पिसा हुआ टमाटर। और ये हमारा बरिस्ता। थोड़ी सी कसूरी मेथी हम इसमें भी डालेंगे। कटे हुए टमाटर के गलने तक हम इसे पकाएंगे। जब तक हमारा ये मसाला पक रहा है हम पालक को बीट कर लेते हैं। ये थोड़ा सा मसाला हम पालक को बीट करने से पहले उसमें डालेंगे। हमारा मसाला लगभग तैयार है। पालक भी बीट हो चुकी है। अब हम पालक को 2 मिनट मसाले के साथ पकाएंगे। हमने पालक को तड़के में डाल दिया है। अब हम थोड़ी देर इसको मसाले के साथ भून लेंगे। इसमें डालेंगे अब थोड़ा सा मक्खन। अब इसमें डालेंगे पनीर। इसमें नमक मिर्च मसाले आप अपने स्वाद अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो बेशक और मिर्ची डाल लीजिए, लेकिन हम थोड़ी हल्की ही डालेंगे। लीजिए बहुत कम मेहनत में स्वादिष्ट ढाबे जैसा पालक पनीर तैयार है। इसमें बनाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों और चाहने वालों के साथ शेयर ज़रूर करें। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। बनाइए और खाइएगा ज़रूर। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इसको हम पनीर से गार्निश करेंगे। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। लीजिए तैयार है ढाबे जैसा पालक पनीर। बहुत स्वादिष्ट, थोड़ी सी मेहनत में, मज़े से खाइए।